चलो मैं था। बच्चों पहले अपना भारत बहुत समृद्ध था, विश्व में इसे सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। भारत वंश के लोग बहुत खुशहाली के साथ रहते थे। जैसे जैसे विदेश के लोग भारत में व्यापार करने के लिए आए, उन्होंने देखा कि यहाँ के लोग बहुत ही संपन्न हैं और यहाँ किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं। उन्होंने सबसे पहले हमारे राजाओं के साथ दोस्ती करी। जिन राजाओं के साथ उन्होंने दोस्ती की थी, उन्होंने उन राजाओं को मार डाला। उनका भी राजपाट उन्होंने छीन लिया। फिर धीरे धीरे उन्होंने लोगों का शोषण करना शुरू कर दिया। उन्होंने हम पर अत्याचार किए, हमारा धन जमीन सब कुछ छीन लिया, हमारा खून बहाया। भारतीयों के मन में इन अंग्रेजों के विरुद्ध बहुत गुस्सा था, फिर भी लोग अंग्रेजों के अत्याचार को सहन कर रहे थे। तब एक दिन जब मंगल पांडे ने भारतीयों के मन में स्वतंत्रता की आस जगा दी, लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ एक जंग सी छेड़ दी थी, जिसपे हमारे देश के कई स्वतंत्रता सेनानियों ने भाग लिया। इस आजादी की जंग ने ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी, पर हमें इस जंग में हार का सामना करना पड़ा। वो भी इसलिए क्योंकि हमारे ही कुछ लोग उनकी मदद कर रहे थे। हमारे लोगों की सहायता के कारण ही उन्होंने हमारे भाई बंधुओं के बीच फूट डाल दी और उन्होंने हमारे देश का एक हिस्सा हमसे अलग कर दिया, जो आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे ही लोगों के में आजादी के लिए भावना बढ़ती गई। भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने जलियांवाला बाग में एक सभा आयोजित की, जिसमें गांधी जी के साथ और कई स्वतंत्रता सेनानी भी आए थे, किंतु इस सभा की जानकारी ब्रिटिश हुकूमत को पता चल गई और उन्होंने तुरंत ही अपनी सेना वहां भेज दी। आदेश अनुसार उन पर गोलियों की बौछार कर दी गई। इस हमले में हमारे कई स्वतंत्रता सेनानी शहीद हो गए। ऐसे कई स्वतंत्रता सेनानी हैं जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय, सुखदेव और कई सेनानी, जिन्होंने अपने देश की आजादी के लिए अपनी जान को भारत माँ के लिए न्यौछावर कर दिया। गांधी जी, जिन्होंने हमें अहिंसा के मार्ग पर चलना सिखाया, उन्होंने ही दांडी मार्च के द्वारा सबसे पहले नमक कानून को तोड़ा और लोगों से कहा कि विदेशी सामानों का बहिष्कार करें। तब लोगों ने विदेशी सामानों की होली जलाई। आखिरकार वो समय भी आया जब गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कर दी। लोगों ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। अंग्रेजी हुकूमत गांधी जी के इस आंदोलन के सामने डगमगाने लगी और उन्होंने फैसला किया कि वे भारत को आजाद करेंगे। दिनांक 15 अगस्त सन 1947 को भारत को आजादी मिली। इसलिए बच्चों, हम आजादी के दिन को बड़ी खुशहाली और उत्सव की तरह मनाते हैं।